Hello everyone, welcome back. This is part 2 and if you haven't watched part 1, we have already been to two famous places from the K-drama 2521, Sumir Dhasot, Sumir Hana in Korean, and this is exactly the clip where I ended my last video. So I'm gonna start it from here with a very happy smile. Let's jump into the video. ओके तो जब भी मैं अंदर गई थी वो हानोक विलेज के, तो मुझे पता चला कि वहाँ एक्चुअली वो लोग रेंट करते हैं एंड लोग वहाँ पे रहने के लिए बुक कर सकते हैं. तो जो लोग भी जोंजू 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं उन्होंने और उन्हें हानोक का एक्सपीरियंस चाहिए, वो लोग वहाँ पे रहते हैं. तो जो कि मैंने ऑलरेडी सर्च किया था बट मुझे पता नहीं था कि वो जगह उसके लिए था. So the third location of the day is Jeonju Nanjang. It is a museum that showcases the life in South Korea in 1960s, 70s and 80s. The entry fee was 7,000 won per person and right after that you can see the small store. Yahan pe wo sari cheeze thi that you don't get to see these days. So it was really fun. So this is the uniform and the classroom from the 70s and 80s. I heard so many parents talking to their kids and telling them like, this is how my classroom used to be, this is how my uniform used to be, and I actually got to know a lot of things by listening to their talks, so it was really interesting to know. I used to do it in school. Now I'm doing it in Korean. This is the toy store and after seeing the toys I was like, wait, these are not supposed to be here. I remember I used to play with these toys and now I can see them in the museum. Literally made me feel so old. Mr. Thomas. Guys, I used to play this game and now it's over here. मैं आ चुकी हूँ एकदम एंशिएंट कोरिया में.
लकीली मैंने कल ही वीडियो में, कल ही मैं जब सर्च करी थी मुझे कहाँ कहाँ जाना है, तो मैं देख चुकी थी कि यहाँ पे ऐसी एक जगह है जहाँ पे अंधेरा है और रैट्स वगैरह और ऐसे चीज़ें हैं, बैट्स वगैरह। तो जैसे मैंने पहला रैट देखा मैं पहले ही ऐसे सावधान हो गई। मैं बोला हाँ ये मैंने देखा है, डरने की बात नहीं है, पर ना मेरे आगे जो बच्चा था वो इतना ज़ोर से चिल्लाया कि उसको सुन के मुझे डर लग गया। प्लेस इज टू बिग एंड मैं लिटरली कहाँ से जा रही हूँ, मैं कहाँ से निकल रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड मेरे को लग रहा है मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे को लग रहा था अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, पर ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। एंड अभी मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, आई थिंक एक और फ्लोर है ऊपर, पता नहीं कब ख़त्म होगा। अब यहाँ से हम बस व्यू देख सकते हैं। मार्केट का जो लाइट होता है मेन लैम्प वो है, एंड ये पूरा ऐसे मार्केट है। मैं अभी लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे ज़्यादा बड़ा है। तो इसकी वजह से मैं बात कर रही हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं। तो अब हो गया, आई होप ये ख़त्म हो गया। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, बट अब मैं थोड़ी थोड़ी थकना स्टार्ट हो गई हूँ। एक बार भी पूरा आउटफिट चेक नहीं हुआ है। आउटफिट चेक बाय। ओह सो दिस इज द थिएटर, दिस इज द थिएटर, मूवी थिएटर। मैंने देखा और मैंने सोचा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं देखना अंदर कैसा है, बट मेरा क्यूरोसिटी मुझे रोक नहीं पाया, मेरे क्यूरोसिटी ने मुझे रोक दिया जाने से। ओ तो मेरे क्यूरोसिटी ने मुझे सही जगह पे लाया है, मैं इसीलिए एन है मेरा MBTI। मैंने सोचा कि चलो अभी इतना देख लिया है तो थोड़ा और देख ही लेते हैं क्या हो जाएगा, और मैं यहाँ आई और ये एग्जिट था। मुझे लगा था कि मुझे हर जगह घूम के सब कुछ करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, अभी तक मैं अडेप्ट नहीं कर पाई हूँ ये चीज़ को। जब मैं बात करती रहती हूँ और लोग मुझे देखते रहते तो बहुत ऑकवर्ड फील होता है। एनीवेज तो अब मैंने जोंजू नानजांग भी पूरा घूम लिया है, एंड मैंने एक्चुअली सोचा था कि मुझे शायद से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने 4-5 जगह एटलीस्ट सोच के रखा था जहाँ पे मुझे जाना है और घूमना है सब कुछ, बट सरप्राइजिंगली सब बहुत पास था। मैं दूर के भी चीज़ें, मैंने बहुत सारे ऐसे लोकेशन देखे थे, बट वो एक्चुअली सब बाजू में ही है। तो मैं अज्यूम करूँ शायद जोंजू उतना बड़ा सिटी नहीं है एरिया वाइज, या तो उसके जो भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है और जो मेन हाईलाइट है ये जगह का वो सब यही सब है और पास में है, तो उसकी वजह से मेरे को लगता है मैं घूम चुकी हूँ। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो हमेशा रह ही जाता है, पर फिर भी मुझे अच्छा लगा कि मैं सब कुछ देख पाई, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद से थोड़ी सी लोकल लाइफ भी देखी है यहाँ पे, क्योंकि मैं टूरिस्ट जो मेन अट्रैक्शंस है उसके अलावा भी जब मैं चल के जब मैं जा रही थी तो मैंने बीच में बहुत सारे रैंडमली मैं कोई भी स्ट्रीट में घुस जाती थी एंड मैं देखने लग जाती थी कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी कुछ पता चला एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब देख के।
The last location of today is covered all the places that I planned before, and the last place was this Panchip, the bread store. It's one of the oldest bread stores in Korea and the oldest one in Jeonju as much as I know. So I wanted to try the bread from this store, so I bought myself three breads which were like the signature breads there, and I cannot eat it anymore because I'm so full. मैं already बहुत ज़्यादा, मेरा पेट भरा हुआ था वो सुबह जो मैंने noodles खाया, सुबह खाया उसके बाद से मैं already full थी, but still I wanted to try the Shibwonpang, the 10-1 bread. So I ate that, but now I'm so full again and I'm gonna eat this after going home. And right now I'm going to the train station, which is just few minutes away, 2-3 minutes away, and it was also close. मैंने first time bus लिया, उसके बाद मैंने bus नहीं लिया, मैं बस चल रही हूँ. सब कुछ इतना पास पास है कि मुझे bus लेने की, यार taxi तो छोड़ दो, bus लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. So this was it for Jeonju vlog. I hope you guys enjoyed as much as I did here. So see you in the next one. Bye bye. After waiting for some time, I just left because I wanted to take a look around this Hanok village, and while editing I realized that this vlog is getting too long, so I decided to divide it into two parts. So until now it was vlog 1, and I'll post the rest of the vlog as part 2, so please look forward to it, and I hope you guys enjoyed this video and see you in part 2. Bye bye.